हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ बायराइड्स। बायराइड को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था टीओ डेनर ने इन 1971। ठीक है, इसके बाद जो बायराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो सिर्फ किसके बने होते हैं? ओनली आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ओनली आरएनए के बने होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, दे काज ओवर 20 डिफरेंट प्लांट डिजीज। ये 200 से ज्यादा ए 20 से ज्यादा डिफरेंट प्लांट डिजीज काज करते हैं, जिनमें से एक है हमारी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जिसे पीएसटीवी बोलते हैं। इसके बाद एक्जोकार्टिस डिजीज ऑफ सिट्रस ट्री एंड क्राइसेंथम स्टंट डिजीज। ठीक है, ये कुछ जो डिजीज हैं जो हमारी किसके द्वारा? वायराइड्स के द्वारा काज होती हैं। तो वायराइड्स होते क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, वायराइड्स आर कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर सिंगल स्टैंडेड आरएनए अबाउट 252 317 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। जो वायराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर होते हैं और सिंगल स्टैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जो लगभग 250 से 350 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसकी जो सर्कुलर फॉर्म है नॉर्मली एग्जिस्ट इन रॉड लाइक शेप। कैसी होती है? एक रॉड लाइक शेप में होती है, जैसे कि मान लो ये है। ठीक है, ऐसे रॉड शेप में सर्कुलर फॉर्म में होगी सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, और इंट्रा स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग कहीं कहीं पर क्या होगी? इनकी बीच बीच इंट्रा स्टैंडिंग बेस पेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, विच फॉर्म डबल स्टैंडर्ड रीजन, जो क्या बनाते हैं? डबल स्टैंडर्ड रीजन बनाते हैं विद सिंगल स्टैंडर्ड लूप, और उसमें बीच बीच में सिंगल स्टैंडर्ड लूप भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम जो दिखा रहे हैं वो अगली स्लाइड में ये है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बना लिया इसने? रॉड शेप्ड सर्कुलर बना लिया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो क्या करेंगे, लोकल बेस पेयरिंग कर लेंगे और लूप के फॉर्म में सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। तो हमारा क्या है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें कहीं कहीं पर क्या है, इंट्रा स्टैंडिंग बेस पेयरिंग देखने को मिलेगी, इंट्रा स्टैंडिंग बेस पेयरिंग देखने को मिलेगी और लूप के फॉर्म में सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके बाद बायरॉइड्स हैव अ फाइव डोमेन। बायरॉइड्स में फाइव डोमेन कौन कौन से हैं? नंबर वन, लेफ्ट टर्मिनल डोमेन, पैथोजेनिसिटी डोमेन, सेंट्रल कंजर्व्ड रीजन, वेरिएबल डोमेन और राइट टर्मिनल डोमेन। ठीक है, ये हमारे डोमेन है। ठीक, इनमें क्या है, मोस्ट चेंज इन बायरॉइड्स सीम टू अराइजिंग फ्रॉम द वेरिएशन इन पी एंड टी एंड एल डोमेन। जो पी और टी एल डोमेन है इसमें क्या होता है, मोस्ट वेरिएशन फॉर पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। पैथोजेनिसिटी के लिए कौन से डोमेन रिस्पॉन्सिबल है? टी एल डोमेन और पैथोजेनिसिटी डोमेन। ये पैथोजेनिसिटी के लिए, बायरॉइड्स की पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये बायरॉइड का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होते हैं, फाइव डोमेन पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, सम बायरॉइड्स आर फाउंड इन न्यूक्लियोलस। अब जैसे क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। तो कुछ बायरॉइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक, जो इन्फेक्टेड हो सेल के अंदर, वेयर बिटवीन 200 to 10,000 कॉपीज में भी प्रेजेंट, जहां पर इसकी कितनी, 200 से 10,000 कॉपी भी प्रेजेंट हो सकती हैं। इसके बाद ये न्यूक्लियोलस के साथ साथ ये क्लोरोप्लास्ट में भी लोकेट हो सकता है। ठीक, इसके बाद इसकी और क्या है, इंटरेस्टिंगली द आरएनए ऑफ वायरॉइड डज नॉट इनकोड एनी जीन प्रोडक्ट सो दैट कैन नॉट रेप्लिकेट देम सेल। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट है ये। जो पायरॉइड्स होता है, वायरॉइड्स कभी भी सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा कोई भी जीन इनकोड नहीं करता जो इसके रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो होता क्या है इसमें, रेदर इट इज थॉट दैट वायरॉइड्स इज रेप्लिकेटेड बाय होस्ट एंजाइम। तो जो होस्ट का एंजाइम होता है, मतलब होस्ट मशीनरी को यूज करता है, और उसमें एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। दिस एंजाइम नॉर्मली यूज बाय होस्ट टू सिंथेसिस आरएनए, जैसे इसे बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए को एज अ टेम्पलेट काम करता है, लेकिन वायरॉइड्स तो आरएनए है। तो यहां पर क्या होता है, ये आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है। हाउएवर व्हेन इन्फेक्टेड बाय वायरॉइड द होस्ट पॉलीमरेज इविडेंटली यूज द वायरॉइड आरएनए एज अ टेम्पलेट। तो देखो यहां पर क्या बोला है,
यहां पर इविडेंटली क्या कर रहा है, यूज कर रहा है वायराइड आरएनए को एज अ टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो जो हमारा नया कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है उसे हम निगेटिव स्टैंड आरएनए बोलते हैं, विच देन सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर अ सिंथेसिस ऑफ न्यू वायराइड्स। और जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है वायराइड आरएनए से इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो होता क्या है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से जो वायराइड्स का टेम्पलेट है या मतलब आरएनए है उसको एज अ टेम्पलेट यूज करके ये नया आरएनए बनाता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। अब अगेन फिर क्या होता है, इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करके नए आरएनए को बनाता है, वो न्यू वायराइड आरएनए की तरह काम करता है, तो इससे न्यू वायराइड्स बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर सिम्टम दिखाए गए हैं पीएसटीवी के, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस के, इस तरह से जो पोटैटो दिखाई देते हैं हमको उनमें ये किस टाइप की डिजीज है, ये हमारी वायराइड्स के द्वारा इन्फेक्टेड डिजीज है। तो जो वायराइड्स होते हैं ये प्लांट्स में डिजीज कार करते हैं, अभी तक एनिमल्स में इसके द्वारा कोई भी डिजीज नहीं नोट की गई है। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स।